दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रूमेटॉइड अर्थराइटिस का टेस्ट क्वालिटेटिव सिखाने वाले हैं। सेरोलॉजी में किस तरीके से हम करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसमें कौन सा रिएजेंट यूज़ करते हैं, किस तरीके से कंट्रोल लगाते हैं इसमें, पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल। तो हम जान लेते हैं रूमेटॉइड अर्थराइटिस, इसके सिम्टम जो है जॉइंट पेन, जॉइंट स्वेलिंग है, जैसे कि नी जॉइंट हो गया, एल्बो जॉइंट हो गया, इन्फ्लामेशन ऑफ बोन हो गया, वीकनेस हो गया, फीवर हो गया। तो इन सब कंडीशंस में हमें जो है टेस्ट करना होता है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। आर फैक्टर इसको हम बोल सकते हैं, रूमेटॉइड फैक्टर भी इसको हम बोल सकते हैं। तो हम इसको किस तरीके से करेंगे, हमारे पास एक किट है क्वालिटेटिव, इसमें लेटेक्स रिएजेंट आपको निकलेगा। इस किट में आप ये देख रहे हैं जिसमें लिखा है लेटेक्स रिएजेंट, और दूसरा है ये रेड कलर का, ये है आपका पॉजिटिव कंट्रोल, इसे हमें जो है कंट्रोल लगाना है, और ये है नेगेटिव कंट्रोल। तो इसमें जो हमें टेस्ट करना है क्वालिटेटिव, तो उसके लिए हमें ये रिएजेंट चाहिए होगा और ये एक स्लाइड चाहिए होगी, ये आपको इस किट में अवेलेबल हो जाएगी। ड्रॉपर है, ड्रॉपर से हम इसमें सीरम ले सकते हैं। ये एप्लीकेटर स्टिक है, इससे हम इसे मिक्स करने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमारे पास ये जो किट है, हमें जो पहला सर्कल है इसमें टेस्ट लगाना है किसी पेशेंट का, जिसका हमें रूमेटॉइड अर्थराइटिस टेस्ट करना है क्वालिटेटिव, दूसरे वाले सर्कल में पॉजिटिव कंट्रोल और तीसरे वाले सर्कल में नेगेटिव कंट्रोल। तो हमें जो इसमें तीन सर्कल है, इसमें तीनों में तो क्या करना है, पहला वाला सर्कल है इसमें हमें 40 माइक्रोलीटर पेशेंट सैंपल लेना है, जो जिस पेशेंट का हमें टेस्ट करना है रूमेटॉइड अर्थराइटिस। तो हमने पहले वाले सर्कल में 40 माइक्रोलीटर सैंपल ले लिया है, और दूसरे वाले सर्कल में हमें पॉजिटिव कंट्रोल लगाना है। तो हमें इसमें क्या करना है, 40 माइक्रोलीटर पॉजिटिव कंट्रोल हम इसमें ले लेंगे। पॉजिटिव कंट्रोल हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, इससे हम मैच करेंगे अपने टेस्ट को। तो हमने इसमें 40 माइक्रोलीटर इसमें पॉजिटिव कंट्रोल इसमें ले लिया है इस सर्कल में। इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो तीसरा वाला सर्कल है इसमें हमें नेगेटिव कंट्रोल लगाना है। तो हमें इसमें क्या करना है, 40 माइक्रोलीटर इस तीसरे वाले सर्कल में नेगेटिव कंट्रोल ले लेना है। इसको माइक्रोपिपेट से हम ले लेंगे, या हम चाहें तो एक ड्रॉप ले सकते हैं, वो अपने अनुसार आप इसमें ले सकते हैं। तो 40 माइक्रोलीटर हमने नेगेटिव कंट्रोल इस तीसरे वाले सर्कल में ऐड कर दिया है। नेगेटिव कंट्रोल जो है हमारा हमेशा नेगेटिव ही आएगा, क्योंकि ये जो हम कंट्रोल लगा रहे हैं, कंट्रोल से हमें अपना टेस्ट पता करना होता है, मैच करना होता है। तो ये जो पहला वाला सर्कल है इसमें हमें क्या करना है, लेटेक्स रिएजेंट इसमें ऐड करना है वन ड्रॉप। पहले वाले में हमने लेटेक्स रिएजेंट जो है ऐड कर दिया है, और दूसरा वाला जिसमें हम पॉजिटिव कंट्रोल लगाया है उसमें भी, और नेगेटिव कंट्रोल लगाया है उसमें भी वन वन ड्रॉप हमने ऐड कर दिया है ये लेटेक्स रिएजेंट। पहला वाला जो सर्कल है जिसमें हमने पेशेंट का सैंपल जो लगाया था उसको हमें प्रॉपर मिक्स करना है एप्लीकेटर स्टिक से। ध्यान रहे ऐसा ना हो कि आप एक ही स्टिक से सबको मिक्स कर रहे हैं, अलग अलग एप्लीकेटर स्टिक से आपको मिक्स करना है पॉजिटिव कंट्रोल और नेगेटिव कंट्रोल, ये तीनों अलग अलग मिक्स करना है प्रॉपर। इसको इन सर्कलों में मिक्स करने के बाद क्या होगा, हमें इसको रोक एंड रोटेट करके इसको लगभग 5 मिनट हमें इसको मिक्स करना है। मिक्स करने से क्या होगा, इसमें क्लम्प एग्लूटिनेशन इसमें शो होगा। अगर हमारे टेस्ट वाले सर्कल में, पहले वाले सर्कल में अगर कोई भी एग्लूटिनेशन आया तो टेस्ट पॉजिटिव होगा, और हमारे ये जो कंट्रोल हैं पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल हमें इनसे मैच करके देख लेना है। तो आप जो देख रहे हैं बीच वाला ये कंट्रोल पॉजिटिव कंट्रोल, ये जो पॉजिटिव आया है ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, और नेगेटिव कंट्रोल हमेशा नेगेटिव ही आएगा। तो हमारा ये जो टेस्ट है आप देख रहे हैं, ये जो है इसमें एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, क्लम्प दिख रहे हैं। तो क्या करना है, हमारा जो टेस्ट है हमें मैच करना है इन पॉजिटिव कंट्रोल से और नेगेटिव कंट्रोल से, जिससे मैच हो जाए भाई हमारा रिजल्ट हो जाएगा। तो हमारा जो पहला वाला ये जो सर्कल है जिसमें आपको क्लम्प दिख रहा है,
ये हमारा जो है मैच कर रहा है पॉजिटिव कंट्रोल से, तो इसका मतलब हमारा जो टेस्ट प्रोसीजर है ये पॉजिटिव है। हमें मैच करना होता है अपने टेस्ट को इन कंट्रोल से। अगर नेगेटिव कंट्रोल से मैच हो रहा है तो नेगेटिव, अगर पॉजिटिव कंट्रोल से मैच हो रहा है तो पॉजिटिव। तो इस तरीके से हम क्वालिटेटिव टेस्ट करते हैं। इसमें आपको क्लंप शो हो रहा होगा, आप अपने वीडियो की क्वालिटी बढ़ाकर देखें, आपको अच्छे से क्लंप दिख रहा होगा। पॉजिटिव कंट्रोल में इसमें जो है एग्लूटिनेशन हमेशा आएगा और नेगेटिव कंट्रोल में नहीं आएगा। तो इन कंट्रोल से हमें इसको मैच करना है अपने टेस्ट को। आप देख रहे हैं पहले वाले सर्कल में इसमें एग्लूटिनेशन शो हो रहा है, तो हमें मैच कर लेना है प्रॉपर तरीके से। हमने जो कंट्रोल लगाए हैं पॉजिटिव कंट्रोल नेगेटिव कंट्रोल, इनसे हमें मैच करना है। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। तो इसी तरीके से सेरोलॉजी की और भी वीडियो जो CRP है ASO है हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो जिस पेशेंट का हमने टेस्ट लगाया है वो पॉजिटिव है। तो अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।